पूछेंगी कि अगर उनको इंडिया में किसी से शादी करने का मौका मिले तो क्या वो करेंगे, और अगर अगर आपको इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी, मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है, पूरा तो वेल सेटल्ड हो, मेरी तरह छिछोरा हो। अगर शादी के क्या प्लानिंग है? शादी का बड़ा शौक है, अभी रास्ते में यही बात करती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए, कब आएगा, जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। नहीं, इंडिया वाले मुझे क्यों रिश्ता देंगे? वहाँ इंडिया से ऐसा रहता, बाहर से अगर आपको रिश्ते की ऑफर आए तो आप उसको कबूल कर लोगे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से भी, मुस्लिम हो बस चलेगा। तो पाकिस्तान की लड़कियाँ इंडिया आना चाहती है और इंडियन लड़कों से शादी करना चाहती है, उन्हें ऐसा क्या पसंद आ गया इंडियन लड़कों में भाई जो शादी के लिए तड़प रही है? चलिए देखते हैं। आपको इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी, मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। अच्छा, उस पिया के लिए कोई शर्त होनी चाहिए कि तब आप उसके घर जाएंगी या वैसे ही चली जाएंगी? खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो, मेरी तरह छिछोरा हो। तो उसके बाद जब आप दोनों आपस में यू नो शादी वादी करके सेटल कहाँ पे होना चाहोगे, पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और तीसरी कंट्री को प्रेफर करोगे? यार आई वांट टू गो कोरिया। नहीं, होने वाले बंदे को मिल तो जाए पहले यार, मतलब हो सकता है कुछ कह दो, हो सकता है आपके कहने पे मिल जाए। यार इंतजार करूँ, जल्दी आ जाओ। वजीहा? अच्छा, वजीहा क्या करती हो? कुछ भी नहीं, वेली हूँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं करती। वेली लड़कियाँ घर में बैठी हुई माओ को बिल्कुल पसंद नहीं आती है तो रिश्ते विश्ते नहीं आ रहे हैं? रिश्ते आ रहे हैं, वेली तो पसंद आती है उनको, काम वाली तो पसंद नहीं आती ना। दुरुस्त हो गया। तो आप के शादी के क्या प्लानिंग्स है? शादी का बड़ा शौक है, अभी रास्ते में यही बात करती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए, कब आएगा, जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। नहीं, इंडिया वाले मुझे क्यों रिश्ता देंगे? वहाँ इंडिया की लड़कियाँ मरी हैं, मतलब मरी तो नहीं है लेकिन आप खूबसूरत है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपने इंडिया वालों ने इंडिया में शादी करनी है, पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान में ही करनी है। दूर दराज के इलाकों में भी तो शादियां हो जाती है ना, तो दो मुल्कों में भी हो सकती है। हाँ, मतलब आप चाहती हैं कि पीस आना चाहिए पाकिस्तान में। मतलब ये हो सकता है कि हम वजीहा को भेज के वहाँ पे यू नो हम कहें कि ये अमन का निशान हम आपको भेज रहे हैं, अब जो है ना हमें दोनों तरफ शांति चाहिए, इंडिया से कर लेंगी? हाँ बिल्कुल कर लूँगी। फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा, चली जाएंगी? हाँ चली जाऊंगी, तो इसमें क्या, कोई इशू ही नहीं है। इंडिया अच्छा है यार, विराट कोहली भी है वहाँ पे। लेकिन शादीशुदा है तो कोई बात, मैंने कौन सा गलत नज़र से कहा, मैंने वैसे कहा विराट कोहली है वहाँ पे, मेरे तो भाइयों की तरह भाई। दुरुस्त हो गया। अगर आपको इंडिया से ऐसा रहता, बाहर से अगर आपको रिश्ते की ऑफर आए तो आप उसको कबूल कर लोगे? सबसे पहले तो रिलीजन, ठीक है, आई सी के अगर वो मुसलमान है तो, और अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो देट विल बी फाइन फॉर मी। इंडिया क्या दूसरा प्लेनेट तो नहीं है ना, मार्स तो नहीं है ना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से भी, मुस्लिम हो बस चलेगा। मुझे इंडिया से एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी बड़ी सारी जगह पसंद है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, और वहाँ पर बस फ्रीडम नहीं है मुस्लिम्स वगैरह को, थोड़ा सा वो है, तो अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं होगा, मैं रह लूँगी। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की हैं जो कि बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलती हैं, शुस्ता उर्दू से भी वाकिफ़ हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, आपको लड़की है भी बड़ी प्यारी, तो थैंक यू। तो अगर आपको ये लड़की पसंद आई है तो आप रब्ता कर सकते हैं वैसे, और हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भी जाना चाह रही हैं, आप भी साथ जा सकते हैं, तो मज़े हैं भाई। हम किसी और से पूछते हैं, मजीद पूछते हैं कि कौन किससे शादी करना चाहता है। ओके, अच्छा सा तो कर लेंगी? अच्छा सा आएगा तो ज़रूर करूँगी, ज़रूर कर लेंगी। और अच्छा, जब रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी होगी, तो उसके बाद आप कहाँ पर रुकेंगी, पाकिस्तान में या इंडिया में? मैं 6 महीने इंडिया, 6 महीने पाकिस्तान। तो मुझे ये बताएं कि चले आप इंडिया भी चलेगी 6 माह के लिए, यहाँ पे होंगी तो कहाँ पे रहेंगी? तो लाहौर में ही? हाँ, लाहौर में। और अगर वहाँ चले जाएंगे तो कहाँ पे रहेंगी? मैं बॉम्बे। बॉम्बे क्यों भला? क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो फिर हम कोई छोटे लोग हैं, हम भी बॉम्बे ही रहेंगे। तो फिर आजकल भी जंग का समय है ना, तो फिर मेरी वजह से भी जो है, जब अगर उधर चली जाऊंगी तो शायद जंग रुक जाए, तो फिर मेरा भी कल को नाम होगा ना, कि जुलेखा नासिर की वजह से जंग जो है वो रुक गई है। तो यानी आप जंग रोकने के लिए बाकायदा अमन की फाख्ता बन के शादी करने वाली हैं? फाख्ता बन के उड़ उड़ के जाऊंगी मैं वहाँ पे, उड़ के वहाँ कभी घोंसला बनाएंगी और फिर वापस आके कभी यहाँ पर घोंसला बनाएंगी। घोंसले ही घोंसले होंगे फिर चारों तरफ जुलेखा नासिर के। जनाब हमारे साथ टिकटॉकर किरण खान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि अगर इनको मौका मिले किसी इंडियन से शादी करने का तो क्या वो करेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। यस ऑफ कोर्स, मुझे शाहरुख बहुत ज़्यादा पसंद है, सो अगर काश शाहरुख के साथ हो जाती, बट वेल शाहरुख जैसा ही कोई हो।
तो शाहरुख जैसा ही कोई हो, मतलब उन जैसा दिखता हो, सेम लाइक शाहरुख, बिल्कुल सेम, ओरिजिनल मिल जाए तो मतलब क्या ही बात है, लेकिन कॉपी से भी काम चला लेंगे। शादी के बाद कहाँ पे रहेंगी, यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी तीसरे मुल्क में? नहीं, ऑफ कोर्स आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा मुझे कोई सिटी कंट्री कुछ भी पसंद नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। लेकिन घर दामाद, स्पेशली मुझे लाहौर, पाकिस्तान में लाहौर और लाहौर के अलावा कोई जगह पसंद। लेकिन अगर घर दामाद बना लेंगी तो आपके बंदे को अच्छे खासे ताने सुनने को मिलेंगे, यार ऐसा तो ना करें। ऑफ कोर्स उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी मैं, लेकिन ऑफ कोर्स बात होगी पहले, कॉम्प्रोमाइज अगर वो कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज नहीं, नहीं पाकिस्तान जैसा कोई सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भाई मरे जा रही है पाकिस्तान लड़कियां इंडिया आने में और इंडिया लड़कों से शादी करने के लिए। भाई इंडिया तो इंडिया भाई, इन्हें पता पाकिस्तान में गुर्बत है भाई, कोई बुड्ढे बुड्ढे से शादी करा देंगे घर वाले, कोई पकड़ के हलाला कर देगा भाई, कोई बच्चे 10 बच्चे पैदा कर देगा तुम्हारे से, तो उनको पता भाई हम इंडिया में सेफ है, इंडिया में जाएंगे तो हम बड़ी सुरक्षित रहेंगी, वहाँ पर हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, हमारी इज्जत होगी, हमें देवी के समान भगवान के समान माना जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है भाई, पाकिस्तान में तो भाई पेलम पेल चलता है सब सिस्टम, आपको पता ही होगा। दोस्तों क्या कहना चाहोगे, अगर वो भारत में अंदर कोई लड़की आती है पाकिस्तान की और आपसे बोलती है कि मुझे आपसे शादी करनी है, विवाह करना है, निकाह करना है, तो क्या आप करोगे, क्या रिएक्शन होगा आपका, क्या आप रेडी रहोगे उसके लिए? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं इस बारे में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।